लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आम चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान करने के लिए सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस चरण का चुनाव और चरणों की तरह ही बेहद ही खास है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। चौथे चरण के चुनाव में जो प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे बीड से चुनाव लड़ रही हैं। AIMIM के असरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष YS शर्मिला कडप्पा लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमा रही हैं। पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा चुनावी मैदान में है। वहीं यूपी में भी लोकसभा के चौथे चरण की 13 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के सामने 2019 के चुनाव में जीती गई सभी 13 लोकसभा सीटें बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं विपक्षी सत्ताधारी पार्टी से कम कुछ सीटें छीनने के लिए संघर्ष कर रहा है। साल 2019 में बीजेपी ने अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी सीटें जीती थी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार सबकी निगाहें फिर से कन्नौज पर हैं। इस सीट पर सुब्रत पाठक के खिलाफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें मतदान प्रतिशत की, तो आज सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 11.67% तक मतदान हो चुका है, जिसमें अकबरपुर लोकसभा सीट पर 12.16, इटावा में 7.06, उन्नाव सीट पर 11.85, कन्नौज में 14.23, कानपुर सीट पर 7.84, खीरी लोकसभा सीट पर 12.21, धौरहरा लोकसभा सीट पर 13.96, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 13.15, बहराइच में 14.04, मिश्रिख लोकसभा सीट पर 12.92, शाहजहां लोकसभा सीट पर 5.94, सीतापुर लोकसभा सीट पर 4.28 और हरदोई में 13.17% तक मतदान संपन्न हो चुका है और आगे की वोटिंग जारी है। वहीं आगे की अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।